एक चीज और भूल गई मैं, कस्तूरी मेथी। तुम लोग याद क्यों नहीं दिलाते हो यार? और अब इसको कर देते हैं बंद। जैसे आप इडली बनाते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि ये रेडी है, उसी तरह इसको मैक्सिमम 10-15 मिनट हम लोग स्टीम होने के लिए रखते हैं। और अब चलते हैं हम आलू की सब्जी बनाने के लिए। मेरे स्टेप आइए, से पहले डालेंगे हम तेल। तो हमने डाला है अभी सरसों का तेल, क्योंकि मेरे घर में हम लोग सिर्फ सरसों का ही तेल खाते हैं और मोस्टली हमारे यहाँ रिफाइंड ऑयल में कुछ नहीं बनता। तो जितना भी खाना बनता है वो सरसों के तेल में ही बनता है और हेल्दी भी है। मैं भी आपको यही कहूँगी कि आप सरसों के तेल में ही खाना खाइए। तो सरसों के तेल की बात ये है कि जब तक ये इसका झांस निकल ना जाए ना, तब तक ये कच्चा रहता है। तो ध्यान रहे कि सरसों के तेल को हमें अच्छी तरह से गर्म करना है पहले। तो सबसे पहले डालेंगे हम 5 फोरन, 5 मसाले। ये भी आप अंदाज से डाल सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आलू रहे उस हिसाब से आप डालिए। और अब डालते हैं मीडियम साइज कटे हुए आलू। आलू को 2-3 मिनट पकाने के बाद हम डालेंगे इसमें मसाले। पहले डालते हैं हल्दी, अब डालेंगे धनिया, धनिया का पाउडर, ये रही लाल मिर्च, मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च डाली है, अब डालेंगे इसमें जीरा पाउडर। ध्यान रखना है कि जितना आप धनिया डालते हैं उससे थोड़ा कम जीरा पाउडर डालें। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो स्पेशल सब्जी है ना, ये हमारे यहाँ पूजा में आमतौर पर बनता है। आप देख सकते हैं कि ना इसमें मैंने लहसुन अदरक डाला है और ना ही प्याज डाला है, तो इसीलिए ये जब बन के निकलता है ना और जब टेस्ट आता है, भाई साहब और बहन जी सब याद आ जाते हैं। और अब हम डालेंगे कुछ पीसेज ऑफ स्लाइस टोमेटोज। मैंने 1.5 टमाटर डाला है। टमाटर से इसमें एक खट्टापन आता है और बहुत ही स्वाद बनता है। अब डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसको ढक ढक के थोड़ा सा भुनाई करेंगे, जब तक थोड़ा सा टमाटर नरम ना हो जाए तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। और इसके बाद इसको प्रेशर कुक करेंगे मैक्सिमम 1-2 सीटी। अगर आलू सॉफ्ट है तो 2 सीटी काफी है। तो इसको थोड़ा पकने देते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हम इसको ग्रेवी बनाएंगे। और ये खुशबू काफी अच्छी आ रही है, आई कांट रेजिस्ट। एक चीज और भूल गई मैं, कस्तूरी मेथी। ओह माय गॉड, तुम याद क्यों नहीं दिलाते हो यार? रुकिए, देखिए मसाला भुन चुका है। वाव! और अब हम इसमें डालेंगे पानी। ये कुछ ऐसा दिखेगा,
इसको दो सीटी के बाद ये सब्जी भी रेडी हो जाएगी और हमारा ये पीछा भी रेडी हो चुका है। एक बार देख लेते हैं, दिखाइए। वाओ, थोड़ा गीला गीला इसलिए लग रहा है क्योंकि ये स्टीम्ड है, जैसे ही निकालेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। इट्स ऑलमोस्ट रेडी। आज तो ऐसा लग रहा है कि मैं सीधा पटना ही पहुंच गई हूँ अपने घर, और आज मैं अपनी फैमिली को बड़ा मिस कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि वो भी ये टेस्ट करें। तो पहले ये टेस्ट करें कैसा लग रहा है। I'm too good. Wow! आलू की सब्जी के साथ भाई साहब मैं ठीक हूँ। मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे हाथों में ना जादू है। तो लंच टाइम हो चुका है और लंच टाइम क्रॉस कर चुके हैं हम। मैं अपना ये पिज्जा खत्म करती हूँ और मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए डिश के साथ। साथ में बनाएंगे, मस्ती के साथ बनाएंगे। और हाँ, एक बात और, आप मुझे इतना प्यार करते हो, थोड़ा प्यार और बरसा दो, थोड़े फॉलोअर्स बढ़ा के, सब्सक्राइब करके, बेल बटन दबा के, लाइक करके, कमेंट्स अच्छे अच्छे लिखो तो मुझे अच्छा लगेगा ना। और ज़रूर लिखिए कि और आप क्या देखना पसंद करते हैं। तो आप भी जाइए घर में ये बिहारी दाल पीछा बनाइए और पूरे फैमिली को भी खिलाइए। अकेले रहते हैं तो मेरी तरह बनाइए और अकेले इंजॉय कीजिए। बाय, लव या, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग very soon. Ta-da!